हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ाइफ़े क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। ठीक है, रियल नंबर हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर सम इंटीजर m, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके स्क्वायर को है ना हम 3m या 3m+1 लिख सकते हैं। ये आपको शो करना है। ठीक है, और जब हम बुक देखें तो बुक में यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है एक कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2। तो नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हिंट में दिया हुआ है ये, तो इसको हम 3q भी कह सकते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को, 3q+1 भी लिख सकते हैं और 3q+2 लिख सकते हैं। फिर नाउ स्क्वायर, अब स्क्वायर करिए ईच ऑफ दिस एंड शो दैट, तो वो उसको स्क्वायर करके फिर दिखाइए, कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m और 3m+1। ये NCERT की बुक हिंट दे रही है आपको। ठीक है, तो हम इसका हिंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम हिंट को यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन में तो हमने नहीं लिखा है, हिंट यहाँ पर सॉल्यूशन में इस हिंट का यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब x कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो NCERT बुक कह रही है कि x इक्वल टू 3q हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3q+1 हम लिख सकते हैं और x इक्वल टू 3q+2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है x। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसे 3m या 3m+1 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, ये कहा गया है, तो ये हमने पहले ही मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, देखिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 16 ले लिया, अब ये 3q या 3q+1 या 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए डिवाइड अगर 16 है तो डिवाइड ये 3q प्लस और यहाँ पर रिमाइंडर जो भी आएगा, तो अब क्यू की जगह पे यहाँ क्या आएगा, 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइजर है ये 16 डिविडेंड बन जाएगा, तो 3 5 15 वन बचा, तो रिमाइंडर में यहाँ 1 आ जाएगा और क्यू की जगह पर आ जाएगा 5, है ना। तो 3q+1 की फॉर्म में से लिखा जा सकता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो इस फॉर्म में, इन तीन फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ये हिंट में भी दे दिया है और वैसे भी हमें पता है, लिख सकते हैं, है ना। अब हमें जो है वो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, क्लियरली एक्स जो है ये जो वैल्यू एक्स की जो भी आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है और बी से छोटा हो सकता है, बी से छोटा होता ही है। ठीक है, सॉरी हो सकता नहीं कहा जाएगा, होता है बी से छोटा। ठीक है, अब बी हमारा यहाँ पर 3 है, तो हमारे जो पॉसिबल आर हैं, पॉसिबल आर, पॉसिबल रिमाइंडर जो भी हैं हमारे, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, तो अब NCERT बुक ने यहाँ पर 0 कह दिया रिमाइंडर, यहाँ पे 1 कह दिया, यहाँ 2 कह दिया, तीनों ही केस दे दिए हमारे पास, है ना। तो अब क्या करते हैं कि इसमें केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में x कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसे 3q लिखा जा सकता है, तो बहुत से आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे जिन्हें हम 3q लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 12, 3 × 4, है ना, यहाँ सब जगह रिमाइंडर 0 रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m या 3m+1 बनाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थ्री क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री थ्री दन नाइन क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, है ना। थ्री थ्री दन नाइन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्यू है, उन्होंने कहा कि क्यू क्यू जो है कोई इंटीजर है ना। हिंट्स में कहा गया कि क्यू कोई भी इंटीजर इंटीजर है, जैसे कि फोर आ सकता है, क्यू की जगह थ्री आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ क्यू कोई भी रख देंगे तो ये भी ये आपको एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। तो यहाँ पर हम इसको इफ़ थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम, अगर हम कहते हैं कि ये जो सॉल्व होके वो एम बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री एम। और एक्स क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, थ्री एम। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को थ्री एम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था इसका केस नंबर वन। और इसी तरीके से हम इसका केस नंबर टू करेंगे, यहाँ से रफ करते हैं। ये तो यहाँ से करते हैं केस नंबर टू सेकंड। ठीक है, अब हम केस नंबर टू में x इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन ये ले लेते हैं, x इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन। ये हमने पहले ही बात कर ली है कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उससे इसे ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री क्यू मतलब ए प्लस इंटू वन। तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री थ्री नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, टू थ्री सिक्स क्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू को हम आगे लिख रहे हैं प्लस वन। अब देखिए इन दो टर्म्स में से थ्री कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, यहाँ रह जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा प्लस टू क्यू, और ये प्लस हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए क्यू की जो वैल्यू रखेंगे तो ये आपको कोई एक नंबर देगा, तो इफ़ थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू को अगर हम m कह दें, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को अगर हम m कह दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एम प्लस वन। तो ये देखिए x एक पॉजिटिव इंटीजर था, और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या आ गया, थ्री एम प्लस वन आ गया। ये आपको प्रूफ करना था। अब जो है ये पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिंट्स में थ्री क्यू प्लस टू भी दिया हुआ है, तो थ्री क्यू प्लस टू से भी क्या थ्री एम प्लस वन या थ्री एम आएगा। ठीक है, इसे और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो ये नोट करिए, क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट है, थ्री क्यू प्लस टू और देख लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो इसे नोट करिए या स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो है इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, जहाँ पर हम एक्स इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, ये एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड क्योंकि हमसे स्क्वायर का पूछा गया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी वाली का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो थ्री क्यू का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री क्यू इंटू टू। तो ये आपको देगा थ्री थ्री ज नाइन क्यू स्क्वायर, टू टू ज़ फोर, टू थ्री ज सिक्स, सिक्स टू ज ट्वेल्व क्यू। तो ये हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर, ट्वेल्व क्यू को आगे लिख लेते हैं, प्लस फोर को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पर ये ट्वेल्व क्यू है, तो यहाँ से अगर हम थ्री कॉमन ले लें तो थ्री थ्री ज नाइन क्यू स्क्वायर, और फोर थ्री फोर ज ट्वेल्व क्यू, और यहाँ पर भी हम इसको तोड़ दें अगर, तो ये हो जाएगा प्लस वन, थ्री वन और प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे तो यही वाली बात आ जाएगी आपकी, ये जो है
So 3 3 is 9 q square, 3 4 is 12 q, 3 1 is 3 and 1 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इस पोर्शन को m कह दें, क्योंकि q की वैल्यू रखने के बाद ही ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, तो इसे अगर हम m कह दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, इफ़ 3 q स्क्वायर प्लस 4 q प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम इसे m कह दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये तीनों ही तरीके से, ठीक है, शो हो गया कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m या 3m प्लस 1 में लिख सकते हैं, ना। तो ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका इस चैप्टर का जो वेटेज है, ठीक है, बोर्ड में CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, तो इस चैप्टर से 6 नंबर का जो है वो यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन, कि यहाँ पर यूज यूक्लिड डिवीजर लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 एंड 9m+8। इन तीन फॉर्म में हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को लिख सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने ये मान लिया था, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो होता है यहाँ पर हम लिखेंगे अभी यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है जैसे कि a है, तो हम इसको 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था। और क्लियर नहीं हो रही है बात तो कोई भी नंबर उठा लीजिए, यहाँ पर 21 उठा लिया, इसे देखिए 3 × 7 और रिमाइंडर 0, 3 7 20 22, 3 × 7 3 7 21 रिमाइंडर 1 बचेगा, 23, 3 × 7 रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। और फिर देखिए 24 पर जाओगे आप, 3 8 24 फिर 0 बच गया, तो रिमाइंडर 0 1 2 ही बचेंगे, ठीक है। और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप उठा लीजिए, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, है ना। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, अब ये हमने जो है ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में कहा है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करो तो उसे 9m और 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इनका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। नाउ a इक्वल टू 3q, ठीक है, क्यूब बोथ साइड, तो a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, तो a का क्यूब इक्वल टू 3 3 9 3 27 q³, a का क्यूब, यहाँ से अगर हम 9 में से तोड़ें तो 9 9 3 27 की 3 q³। अब देखिए ये जो 3 q³ है, ठीक है, ये कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम m कह दें, ठीक है, तो इफ 3 q³ इक्वल टू m, तो a का क्यूब इक्वल टू 3m हो जाएगा, क्यों, q³ को हमने m लिख दिया, तो a का क्यूब क्या हो गया 3m। तो a तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या आ गया हमारे पास 3m। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, ये इसका हम कह सकते हैं केस, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट, और ये हो सकता है केस सेकेंड, a इक्वल टू 3 q+1, ठीक है। यहाँ पर हमें क्योंकि इसका क्यूब करना है तो क्यूब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी 3 q+1 का क्यूब,
होल क्यूब है ना। तो a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट में a प्लस बी। इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं, a का क्यूब इक्वल टू, देखिए इसको ओपन करेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस फिर है 3 इंटू ए बी, तो 3 इंटू 3q इंटू में 1 फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, ठीक है। अच्छा चलिए, तो a का क्यूब 3 3 9 9 3 27 q प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 3 9 9 1 9 क्यूब, अब ब्रैकेट है 3q प्लस 1, ए का क्यूब इक्वल टू आ गया हमारे पास 7q³ प्लस 1 प्लस 9 3 27 q है तो q स्क्वायर प्लस 9 1 9 q। अब देखिए यहाँ से इस वाले 1 को हम बाद में लिख लेंगे और इन टर्म्स को पहले लिख लेंगे, तो ए का क्यूब 27q³ प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। अब इन तीन आगे वाली जो हमारी टर्म्स हैं इसमें से हम 9 को अगर कॉमन ले लें तो 9 9 3 27 q³ 9 3 27 q² और यहाँ बचेगा q प्लस 1। अब देखिए ये जो है q की जगह कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो a था एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो a को हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 में लिख ही रहे थे, तो q कोई ना कोई इंटीजर होगा, और ये इंटीजर यहाँ पे रखने के बाद आपको ये भी कोई ना कोई इसका जो नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो इफ़ 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू, अगर हम m कह दें तो a का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 1। तो ये दूसरा इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, उसका क्यूब आ गया 9m प्लस 1, ठीक है। अब इसका 9m प्लस 8 के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2 और इसका क्यूब करेंगे तो ये आना चाहिए, तो फिर ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है इसका ये थर्ड केस और देखते हैं। नाउ थर्ड केस, तो हमने ये ले लिया a इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब बोथ साइड, तो हम तरफ का क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a का क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब, आइडेंटिटी लिखी दी थी मैंने पहले, तो a का क्यूब इक्वल टू 3 3 9 9 3, यानी मतलब इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 फिर 3q प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का क्यूब 3 3 9 3 27 q³ 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 और 9 2 18 क्यूब और 3q प्लस 2। तो ये हो गया आपका a क्यूब इक्वल टू 27 q³ प्लस 8 प्लस 18 3 54 q स्क्वायर और 18 2 36, है ना। तो यहाँ तक ये आ गया। अब यहाँ से आगे तो रफ कर देते हैं इधर का भी, तो ये सब a का क्यूब चल रहा है, तो a का क्यूब, अब देखिए यहाँ से अगर हम इस 8 को बाद में ले जाएं, बाकी सब नंबर को हम इधर ही ले आते हैं, तो देखिए क्या हमसे लिख सकते हैं, 27 q³ प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 8। अब देखिए ये आगे वाले जो नंबर हैं हमारे यहाँ, ये 1 2 3 टर्म्स आगे की, यहाँ से 9 को कॉमन ले सकते हैं, a का क्यूब इक्वल टू 9, 3 q³ बचेगा, 9 6 54, 6 q स्क्वायर बचेगा, 9 4 36 प्लस 8। अब देखिए ये जो चीज़ आ रही है आपकी 3 q³ प्लस 6 q स्क्वायर प्लस 4, ये आपको क्यू की वैल्यू रखने पे एक पॉजिटिव इंटीजर देगा, तो a क्यूब इक्वल, अगर हम सॉरी यहाँ पर हम कहें कि इफ़ 3 q³
प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एम मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तो ये आपका लास्ट केस थर्ड केस आ गया, और ये भी प्रूव हो गया क्योंकि a क्या था हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, और पॉजिटिव इंटीजर को के क्यूब को सॉरी हम 9m प्लस 8 लिख सकते हैं। तो हम 9m भी लिख सकते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को, 9m प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और 9m प्लस 8 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, साथ में एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमने उसका करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो देखते रहिए ज़ाइफ़े क्लासेस की वीडियोज़, ठीक है। कोई क्वेरी हो आपका, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है मुझे कमेंट्स